स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में। मैं आपके साथ सिमरन, चले जानते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें। राजस्थान में सर्दी के बाद बारिश का कहर जारी, जोधपुर में बरस पड़े बादल, बेमौसम बारिश से चौंके लोग। यूपी में प्रदेश स्तरीय बालिका कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आवेदन हुए शुरू, 14 से 16 फरवरी 2024 को जिला खेल कार्यालय देवरिया में होगा प्रतियोगिता आयोजन। हत्यारों का शौकीन 70 साल का ललन आया गिरफ्त में, लखनऊ में सरेआम 3 लोगों की कर दी हत्या। दिल्ली में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि मैं झुकने वाला नहीं। सीएम केजरीवाल के बाद आतिशी मारलेना के घर पहुंचे क्राइम ब्रांच, विधायकों की खरीद फरोख्त केस में स्टाफ को थमाया नोटिस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए 5 फरवरी को होगी परीक्षा, 60 शहरों में होगा एग्जाम। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का रिजल्ट जारी, RECT.CRPF.GOV.IN पर करें चेक। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, वीडी शर्मा ने अजय सिंह यादव को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का बजट, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने दी जानकारी। दोपहर 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट। कांग्रेस के नाराज नेताओं पर बीजेपी का फोकस, बीजेपी छोड़ने वालों की होगी घर वापसी। सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद का ग्रेटर नोएडा का करोड़ों का बंगला किया सील। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेन 7 फरवरी को कैंसिल, कुछ रहेंगी लेट, पैसेंजर्स को हो सकती है परेशानी। छत्तीसगढ़ में 3 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा, ठंड बढ़ने के आसार, मौसम रहेगा साफ। भारी बर्फबारी से थमा हिमाचल प्रदेश, 500 सड़कें बंद, मनाली में 5 दिनों से बिजली गुल। तो ये था अब तक का अपडेट, लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी पर। शुक्रिया।